अली बेटा, अली बेटा मेरा ये चश्मा पुराना हो गया और देखो टूट भी गया, क्या तुम मुझे नया बना सकते हो? आई एम सॉरी डैड, इस महीने वैसे इतना खर्च हो गया। अभी आपको चश्मे की क्या ज़रूरत है, अगले महीने सैलरी मिलेगी फिर आपको दिला दूँगा। सुनिए, आज शाम का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। तो मैं क्या कह रही थी कि शाम को बाहर चलें खाने के लिए। ओके बेबी, रात में जल्दी आऊंगा। लव यू। और चाचा जी कैसी तबीयत है आपकी? मालिक का करम है, तुम सुनाओ बेटा। बस आपकी दुआ है। और आप बताएं, कल नहीं आए आपका पैर पे? हाँ, मेरा चश्मा टूट गया था जिसकी वजह से मैं आ नहीं सका बेटा। तभी मैं सोचूं कितने सालों में एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि आप ना आए। आपको पता है ये कबूतर आपसे बहुत मदद करते हैं। ये कबूतर ही तो मेरा दिल का सुकून है, ये मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज है। क्या तुम समझते हो? ऐसे काफ़ी अरसे से मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर अकेले आ रहे हैं। क्या आपकी कोई औलाद है? है औलाद, मगर ये औलाद जब अपनी ज़िंदगी का पहला कदम उठाने में अपने बाप का सहारा लेती है तो ये क्यों भूल जाती है कि जब बाप को अपने आखिरी सहारे के लिए ज़रूरत होती है तो वो इसका साथ क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते? चाचा जी मेरी तो ना माँ है ना बाप, तो ये किस किस्म का एहसास है मैं नहीं जानता। लेकिन आपको देख के बस यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक आपके बच्चे को हिदायत दे। बदल गया है ज़माना, हर चीज़ बदल गई है। बगैर किसी मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता। उन्हें मालूम है कि ये बूढ़ा हो गया है, हर चीज़ अपनी ज़ाती मुफाद के लिए हर शख्स लगा हुआ है और ज़िंदगी बहुत तब्दील हो गई। बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर किसी मकासद के कोई किसी की मदद नहीं करता। और औलाद, अब वो औलाद नहीं रही जिससे उम्मीद रखी थी कि ये आपका बुढ़ापे का सहारा बने, नहीं बनेगी।
थैंक यू कैसे मुझे शर्मिंदा नहीं करती। अच्छा दो मिनट आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी। क्यों, क्या हुआ? आई टू से ज़रूरी बात करनी। अच्छा चलें। नताशा क्या हुआ, सब खैर तो है? कुछ खैर नहीं है, मैं थक गई हूँ रोज रोज के ये नाटक देखकर। नताशा मसला क्या है? मसला तुम्हारे डैड है। जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे सुकून ही कहाँ मिला। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस बुड्ढे को ओल्ड होम भेज दो, बस बात खत्म, वरना मैं अपने घर चली जाऊँ। तो क्या करूँ, मैं गया था पता करने, हर महीने 15,000 रुपये जमा करने का बोल रहे हैं ओल्ड होम वाले। मुझे नहीं पता, बस ये बंदा मुझे यहाँ नहीं चाहिए। चाहिए तो मुझे भी नहीं, हर बात पे इनका टोकना। तुम ये इनकी फालतू की पॉकेट मनी बंद करो अभी, खुद तो ये कुछ करते नहीं है, सारा पैसा कबूतरों पे उड़ाते हैं, सब पता है मुझे। महीने ये 15,000 रुपए देने से बेहतर है रोज का 100 रुपए देके जान छोड़ो, वैसे भी बुड्ढे की तबीयत खराब रहती है, घर भी उसके नाम पे, बुड्ढा मर जाएगा घर हमारे नाम हो जाएगा। क्या बोलती हो? I'm sorry, Dad. इस महीने वैसे इतने खर्च हो गए। अभी आपको चश्मे की क्या जरूरत है? खुद तो ये कुछ करते नहीं है, सारा पैसा कबूतरों पे उड़ाते हैं। सौ रुपए का बाजरा दे देना। पैसे दो 100 रुपए। पैसे तो नहीं है, बाद में दे दूंगा। यार भाई जब पैसे नहीं है तो बाहर जाओ ना। उसका 100 रुपये देके जान छोड़ो, वैसे भी बुड्ढे की तबीयत खराब रहती है, घर भी उसके नाम पे, बुड्ढा मर जाएगा घर हमारे नाम हो जाएगा। देख रही हूँ बाबा, पिछले 10 दिन से यहाँ पड़े और कोई ने लेने ही नहीं आया, क्या इनकी कोई औलाद नहीं है? तुम भी किन चक्करों में पड़ रही हो? यहाँ ऐसे रोज 1,000 मरीज आते हैं
और वहाँ इमरजेंसी में रश देखा है कितना है, और तुम उन सबको छोड़कर यहाँ इनको नोट कर रही है। तुमने एक बात नोट की, ये जब से ये शख्स यहाँ आया है तब से एक कबूतर रोज यहाँ आता है और घंटों इन पे बैठा रहता है। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई। तेरी समझ के चक्कर में मुझे लगता है डॉक्टर हमें समझा देगा। चलो